हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप लोग? मैं अच्छी हूँ। तो आज हम देखने वाले हैं सिंघम अगेन का ट्रेलर आ चुका है, जो कि दिवाली पर रिलीज होने वाली है। तो हम उसको देखने वाले हैं और रिएक्ट करने वाले हैं कि कैसा है। तो वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ट्रेलर देखने के बाद बताइएगा जरूर कि आपको ट्रेलर कैसा लगा कमेंट करके, और फ्रेंड और फैमिली के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए। और बिना किसी देरी के अब वीडियो को शुरू करते हैं। देवगंज फिल्म। ओके, तो इसमें अजय देवगन है और करीना कपूर। कल हमारी रामलीला में राम जी 14 साल के वनवास के लिए निकलेंगे। आपको सीरियसली ऐसा लगता है कि राम जी सीतामा को लेने ऑल द वे लंका गए थे? तो ये पिक्चर रामलीला से प्रेरित होकर बनाई गई है। बहुत सारी चीजें रामलीला से रिलेटेड देखने को मिलेगी। जनरेशन को तो ट्रू लव का कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ आता। तो अगर कभी आपको किसी रावण टाइप कैरेक्टर ने किडनैप कर लिया, डैड आप जाओगे मॉम को बचाने? गूगल पे बाजीराव सिंघम टाइप कर ले, पता चल जाएगा तेरा बाप चीज क्या है। जिसे नफरत करता है और जिसे प्यार करता है, उसके लिए कहीं भी जा सकता है। भारत की यह प्रथा रही है, सीता माँ का हरण हुआ तो लंका जली है। इतिहास खुद को दोहराने वाला है। एक वचन के लिए वो लंका जलने वाला है। रोहित शेट्टी की फिल्म और आग न लगे गार्डियन उड़ जाता तो कभी वही नहीं मिलता। उससे कोई सड़क छाप गुंडा मत समझ सिंघम। जैकी दादा भी है इसमें। वो आपका तूफान है। और अर्जुन कपूर। उस एरिया का इंचार्ज कौन है? शक्ति शेट्टी। ओह, ये भी है लेडी सिंघम। तेरे इस दुनिया में आने की वजह एक औरत थी। ज्यादा हीरो गिरी दिखाएगा ना। और ये न्यूज़ थी कि जब दीपिका पादुकोण प्रेग्नेंट थी तब उन्होंने ये शूटिंग की हुई है। वर्दी पहनने वाला हर ऑफिसर को लगता है कि वो सिंघम है। वो तो हमारे गुरुजी हैं। लेडी सिंघम है। मैं लेडी सिंघम है रे। एक नंबर है भाई। ओ, बाप बेटा दोनों है। जैकी दादा भी और टाइगर श्रॉफ भी। बहुत मानता है ये सिंघम सर को अपनी। हमेशा से फुल एक्शन वाले वाला बनकर काम करना चाहता था। पड़ोसी मुल्क में कोवर्ट ऑपरेशन की बात कर रहे हो तुम सिंघम। उनके कहने पर पहले भी 2 बार घुस चुके हैं सर। बजरंग बली का नाम लेकर 3री बार भी घुस जाते हैं। रणबीर सिंह भी है। एक साथ सारे आएंगे अब तो। हनुमान जी भी आगे, लक्ष्मण जी भी आगे। तेरी रामायण का रावण हूं मैं। अगर अवनि के लिए नहीं आया ना मैं, तो सिंघम असली मराठा नहीं। ये डायलॉग हर पिक्चर में होता है। श्रीलंका दरवाजा मंदिर है जहाँ सीता माँ पूजी जाती हैं, जहाँ जहाँ हनुमान जी ने कदम रखे इतने बड़े बड़े फेरते हनुमान जी गए, और कहा जाता है कि ये उनमें से ही एक है। अब और क्या सरप्राइज है? ये कलयुग है अपनी कलयुग, इस बार रावण जीतेगा। सच्चाई की जीत युग की मोहताज नहीं होती, सच्चाई की जीत होती है। अखी पब्लिक को मालूम है कौन तुझे को मालूम नहीं क्या? अक्षय कुमार भी है। वो हेलीकॉप्टर तो ऊपर से कार सिंघम अगेन। सामने जो खड़ा है वो महात्मा गांधी का आदर जरूर करता है,
लेकिन पूछता छत्रपति शिवाजी महाराज को है। हेलीकॉप्टर लटक के आते ऐसे मैं बोलता है टिकट काटो बैठ के आराम से आओ इज्जत से आओ लेकिन नहीं लटक के ही आने का है। मन तो करता तेरे को यही ठोक दूं। आ रही है पुलिस इस दिवाली आपके साथ दिवाली सेलिब्रेट करने। तो गाइस आप लोग कमेंट करके बताना कि आपको ट्रेलर कैसा लगा। मेरे को तो 100 में से 100 लाख करोड़ नंबर देने को तैयार हूँ। मेरे को तो बहुत मस्त लगा। आप बताओ आपको कैसा लगा। मेरा गल थोड़ा ख़राब है इसलिए एडजस्ट कर लेना, लेकिन ट्रेलर में कोई कमी नहीं है गुरु। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो अभी तक नहीं किया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइज़।